दादा, पिंजोरा की 100 साल पुरानी परंपरा और अपने वादे के मुताबिक मैं अपनी पत्नी जो आपके व्रत के किए गए आशीर्वाद में मुझे मिली उसको लौटाने के लिए ले आया हूँ। आज से मेरा वैवाहिक जीवन संपूर्ण हुआ। पिंजोरा के सभी मर्दों की ओर से इस भेंट को स्वीकार कीजिए। अबे वक्त आ गया है, अब तुम्हें हमारे पूर्वज देवता सिद्धक की चली आ रही परंपरा को निभाना होगा। अब तुम्हारे परिवार की बारी है। तुम अपने परिवार के आखिरी वारिस हो, इसीलिए तुम्हें शहर से बुलवाया है। पर अब तुम्हें पिंजोरा की परंपराओं का पालन करना होगा। तुम्हें मालूम है ये गांव और अथीनता से श्रापित है, इसीलिए जाओ और अपनी पत्नी की मनोकामना के लिए व्रत रखो। याद रहे, परम पूज्य देवता सिद्धा की, तुम सबको पत्नी सुख दे सकते हैं। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आता कि शादी के 1 साल बाद ही यहाँ की सारी पत्नियां चली कहाँ जाती हैं? और अगर मुझे सिद्धक की चुनी हुई लड़की पसंद नहीं आई तो? सिद्धक की इच्छा के विपरीत इस गांव में कुछ नहीं हो सकता। शादी तो होगी और सिद्धक की चुनी हुई युवती के साथ ही। तुझे भी सब की तरह उनकी आज्ञा का पालन कर व्रत रखना होगा। जैसे कहोगे वैसा करूंगा। सरपंच जी, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। अबे तुम्हें स्वीकार करना ही होगा हम सबकी भलाई के लिए। मैंने किया था। तुम्हें व्रत रखना ही होगा। इसी में सबकी भलाई है बेटा। हाँ, जो सिद्धक कहेंगे मैं करूंगा। व्रत करना है ना, मैं व्रत करूंगा। सिद्धक की चुनी हुई लड़की से ही शादी करूंगा। तेरी इतनी खूबसूरत लड़की। अरे वाह, लगता है गांव में नहीं आई है। वाह भैया वाह, देखते हैं किसकी जिंदगी सवारी है छोरी। चले चलो।
अरे बिरजू कहाँ गई? चोरी गायब हो गई। हाँ चल। तेरी तो सिद्धक की गुफा की तरफ जा रही है, लेकिन ये है कौन? सिद्धक की गुफा में बिना सिद्धक के मर्जी कोई नहीं जा सकता। मेरी ताकत को तुम जानते नहीं, मुझे सिद्धक से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, खुद वो भी नहीं। देवता की ताकत का अंदाजा नहीं तुझे, तू क्या पहरेदारों का विनाश करेगी? हजारों सामने खड़े मिलेंगे, लेकिन सिद्धक की मर्जी के बिना तेरा अंदर जाना असंभव है। मैं वापस आऊंगी सिद्धक, क्योंकि मैं वापस आ चुकी हूं। क्यों लग रहे हो? कौन हो तुम? मैं छाया, आज ही आई हूँ गांव में, कुछ मदद करूं तुम्हारी? दोस्त सबके सब कमीने हैं मेरे, काम के वक्त सब गायब। बिरजू तो पहले से ही कमीना था, कीचक को पता नहीं क्या हो गया। मालूम है सिद्धक का व्रत इतना मुश्किल है, इसलिए सब गायब हो गए। कीचक, कीचक की आवाज थी। कीचक, कीचक, अबे वहां मत जा। अब कीचक, हमें सुन पा रहे हो? कीचक भाई मेरी बात मान, यहाँ से निकल जा, चल चलते हैं यहाँ से। अरे तेरा दिमाग तो खराब ही हो गया, कीचक की आवाज सुनी है मैंने, उसे लिए मैं नहीं जाऊँ। अबे वो तेरा वहम है, तू एक काम कर, तू यहाँ से ना, यहाँ से शहर चला जा। तुझे हुआ क्या है कीचक? मुझे माफ कर दो,
तुम जो भी हो, जहां से भी आई हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा तुम्हारी असलियत। मेरा दोस्त भी कुछ नहीं बताएगा, मुझे माफ कर दो। कीचक सुनना, अभी अभी चलना है यहां से। कीचक आवाज सिर्फ बाहर है मेरी। अरे अरे जंगल में ये कौन है? अभी बात सो। अरे रुकना यार, अबे अभी सुनना। आप अकेले इस जंगल में क्या कर रही हैं? जी मैं छाया इस गांव में नहीं आई हूँ, रास्ता भटक गई। क्या आप मुझे यहाँ से बाहर जाने में मदद करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग अभी ये वो हमें तो जल्दी कहीं जाना है ना। अबे तेरा व्रत है ना, और तुझे हमारे देवता सिद्ध की गुफा में भी जाना है। अबे चल। हाँ जाते हैं जाते हैं, पहले इन्हें बाहर तक तो छोड़ दें, हम छोड़ देंगे आपको। जी। और ये कीचक पता नहीं कहाँ चला गया, आपने मेरे दोस्त को देखा कीचक? ये वो क्या वो चला गया। चला गया कहाँ? चला गया, उसको शहर जाना था तो वो चला गया। तू 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 चलना यहाँ से, निकलना। चलते हैं ना यार, हम आपको बाहर तक छोड़ देंगे ना। जी आइए। खुश रहो बेटा, सिद्धक देवता तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। जाओ। इस छोटे दाल में कुछ नहीं करता हूँ। बेचारा बेबी लीज़ पे लोग क्यों करते हो? एक बचाने। बस छोटे ने क्या किया आवाज़ के साथ? तो मुझे जाना ही होगा ना, सिद्धक देवता की बताई हुई पसंद से ही शादी करनी होगी। क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? नहीं। नहीं। अच्छा तो मैं जाता हूँ। अपना ध्यान रखना बेटा। पत्नी की तलाश में आज रात मेरी तीसरी आंख से
जो लड़की तुमको दिखाई देगी वो तुम्हारी होने वाली पत्नी होगी, उससे तुम्हारी शादी होगी। मुझे तुम्हारी होने वाली पत्नी नजर आ रही है, सुंदर, गोरी, लंबे बाल, भूरी आंखें, लाल जोड़े में। क्या हो गया इस अभय को? लेकिन देवता सिद्धक ने इसे इसी पत्नी का आशीर्वाद दे दिया है और आज इसकी पत्नी इससे मिलने आने वाली है और वो जरूर जरूर उस चुड़ैल की खूबसूरती को भूल जाएगा। लेकिन मैं उसे बता भी नहीं सकता कि वो थी कौन। ये कैसे यहाँ पर? नहीं नहीं देवता, देवता इसे कैसे भेज सकते हैं? छाया जी, आप? आपकी छाया। चलें। आइए ना। अबे समझ नहीं पा रहा हूँ, इस बात के लिए खुशी मनाऊं कि मेरी शादी छाया जी से हो रही है या अभी से इस बात के लिए दुखी हो जाऊं कि एक साल बाद इन्हें वादे के मुताबिक सिद्धक देवता को सौंपना होगा। बिरजू और कीचक का पता नहीं वो कहाँ पे हैं, लेकिन तुम उनकी फिक्र मत करो। सिद्धक देवता की कृपा से तुम्हारी शादी हो रही है, इस काम को पूरा होने दो, नहीं तो सिद्धक देवता बुरा मान जाए। सिद्धक Yeah.
वधु को मंगलसूत्र पहनाइए। क्या हुआ छाया, तुम ठीक तो हो ना? मैं सब ठीक कर दूंगी, सब ठीक। इसे क्या हुआ, क्या मतलब इस बात का? अभी मैं जानता हूँ कि तुम किस उलझन में हो। तुम्हें एक साल बाद अपने बीवी को होने की चिंता सता रही है, मगर तुम घबराओ मत, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मगर हम सबकी भलाई इसी में है कि जो काम हमें सौंपा गया उसे हम पूरा करें। और तुम छाया से प्यार व्यार करने मत लग जाना, उसे शादी करके बच्चा पैदा करना, और एक साल बाद वो बच्चा और बीवी हमें अपने देवता को सौंपने होंगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ। ठीक, अबे 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 कहाँ जा रहे हैं? आपको मैं पसंद नहीं आई जो अपनी नई दुल्हन को ऐसे छोड़ के जा रहे हैं? आवाज कुछ पहचानी सी थी, जैसे कोई बुला रहा था। कौन होगा? चलिए ना। कितना भरोसा कर रही हो मुझ पर, और मैं ये भरोसा एक साल के बाद तोड़ दूंगा। पर ऐसे तुम्हारे नजदीक आने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं जब तक कुछ उपाय ना सोच लूं तब तक तुम्हें नहीं छूंगा। कल सुबह कुछ सोचता हूं। मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार करता हूं। अबे 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 इसी तरह बुला रहे थे ना मेरे पति को? दोस्त तो आया नहीं, लेकिन चुड़ैल भाभी आ गई। बात एक बार में समझ में नहीं आती ना? कहा था तुझसे कि मेरे रास्ते में आने की सोचना भी मत। कीचक तो पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन तुझे अपनी जान बचाने का एक मौका दिया था मैंने। लेकिन शायद तुझे तेरी दोस्ती ज्यादा प्यारी है, तेरी जिंदगी नहीं। तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे माफ कर, मुझसे गलती। ये तो भूतनी है। भूतनी है। चुड़ैल है। गांव वाले जल्दी आओ। बहुत बड़ी समस्या आ गई है। वो कोई लड़की नहीं है, मैंने खुद देखा है। सिद्धार्थ ने अभय की शादी एक चुड़ैल से करवा दी। भूतनी कभी बच्चे पैदा नहीं करती, सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, पूरा गांव मारा जा। अभय तूने एक चुड़ैल से शादी की है, वो कोई लड़की नहीं है, मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा है। कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। डरो मत, सुनो मेरी बात,
मैं यहाँ किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, लेकिन हाँ सिद्धक से अपना बदला लेने जरूर आई। उसका बिछाया जाल इस गांव पर से उतारने आई हूँ। मुझे अभय से मजबूरी में शादी करनी पड़ी, क्योंकि सिद्धक की गुफा में सिर्फ वही जा सकता है जो उसके वंश से जुड़ा हो। मैं किसी को भी डराना नहीं चाहती थी, इसीलिए अपने असली रूप में नहीं आई। कौन हो तुम और सिद्धक से किस बात का बदला लेने आई हो? एक देवता के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर उन्हें पता चल गया तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। जानती, लेकिन सिद्धक वो कोई देवता नहीं, वो शैतान है। शैतान मैं रानिया हूं, सिद्धक की पत्नी और आप सबकी पूर्वज हूं। वही रानिया जिसकी बलि चढ़ाकर सिद्धक ने अपनी जिंदगी के साल बढ़ा दिए और हमेशा के लिए अमर हो गया। सिद्धक एक बहुत बड़ा तांत्रिक था, उसकी साधना में इतनी शक्ति थी कि काली विद्या उसके बस में थी। लेकिन सिद्धक को उसके गुरु जलायु ने कहा कि सबसे शक्तिशाली बनने के लिए उसे जीवन और मृत्यु के बीच जूझना पड़ेगा। सिद्धक, जब तुम्हारे जीवन का अंत होगा तब ना तो तुम जीवित रहोगे और ना ही मृत्यु के पश्चात तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तुम अपनी सारी शक्तियों को एक दीवार में, एक मूर्ति में डाल दो ताकि तुम्हारी आत्मा सुरक्षित हो जाए और तुम जब चाहोगे उसे जीवित कर सकोगे। और दूसरा, तुम्हें अपने जैसी ही महान तांत्रिका से विवाह करना होगा और विवाह के एक साल के पश्चात तुम्हें उसकी बलि काली शक्तियों को चढ़ानी होगी, जिससे तुम अमर होकर जीवित रहोगे। किंतु ध्यान रहे, ये परंपरा तुम्हें इस युग के अंत तक निभानी होगी, तभी तुम्हारा अमर होना निश्चित है। शादी के बाद मुझे पता चला कि सिद्धक के क्या काले इरादे थे, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाई। ये परंपरा, ये इस गांव की भलाई के लिए बिल्कुल नहीं है। कभी थी ही नहीं इस गांव की भलाई इसमें। ये तो बस एक साजिश है सिद्धक को हमेशा के लिए अमर रखने की। जिन औरतों की हर साल तुम बलि चढ़ाते हो उनकी मृत्यु से सिद्धक की आयु बढ़ जाती है। मैं वापस इसीलिए आ सकी क्योंकि मेरे मरने के 100 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सिद्धक वो ये बात भूल चुका था। वो भूल चुका था कि हम तांत्रिक कभी पूरी तरह से खत्म होते ही नहीं। अगर तुम सिद्धक की पत्नी हो तो उसकी जैसी दिखती क्यों नहीं? हमने गुफा में खुद रानिया की मूर्ति देखी थी। ऐसी ही दिखती है ना रानिया? रानिया,
अब सिद्धक जान चुका है कि मैं यही इसी गांव में हूँ, इसलिए तो मैं अपने नए रूप में यहाँ आई थी। अब वो मुझे खत्म करने की कोशिश करेगा, तुम में से किसी का भी भेष बदल कर वो मुझे मारने की पूरी कोशिश करेगा, ताकि मैं उसकी जादुई दीवार ना तोड़ सकूं, उसकी मूर्ति को खत्म ना कर सकूं। क्योंकि अगर मैंने उसकी मूर्ति खत्म कर दी तो फिर सिद्धक के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक ही जगह बचेगी, मुझ में। आप तो हमारी पूर्वज देवी हैं, आप तो हमारे लिए भगवान बन के आई हैं, बताइए हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। मेरा साथ दो, और अगर मैं तुम में से किसी को भी मार दूं तो भी मुझ पर से अपना भरोसा मत छूटने देना। सिद्धक को हमेशा के लिए रोकने के लिए हम में से कुछ लोगों को बलिदान देना होगा। तुम और मैं इस युग में पति पत्नी है, इसीलिए मैं मेरी विद्या तुम्हें दे सकती हूँ। ब्रह्मांडे निष्काशिते सिद्धकम सिद्धकम सिद्धकम, ये मंत्र को याद कर लो अभय, और जब मैं कहूँ तब सिद्धक की गुफा के अंदर जाकर उसकी गुफा की दीवार को छूकर ये मंत्र बोलना है तुम्हें, कि सिद्ध की वो गुफा टूट जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अमोल, अमोल, अमोल क्या हुआ तुझे? मैं जानती हूं तुम अमोल नहीं हो। अब है, मैंने तुम्हें जो मंत्र बताया था, जल्दी जाके उसे गुफा की दीवार तोड़ो, जाओ जल्दी। पिछले 100 सालों से इस गांव ने कई औरतों की बलि चढ़ाई है, अब इस गांव को सिद्धक से बचाने के लिए अगर कुछ मर्दों की भी बलि चढ़ जाए ना तो कोई दुख की बात नहीं है। हमें जल्दी से वो दीवार तोड़नी है, हमें सिद्धक को मारना है छाया, हमें दीवार तोड़ देते हैं।
Siddhikam, Siddhikam, Siddhikam. Ramande Nishtasite, Siddhikam, Siddhikam, Siddhikam.